ये तो ये हो गया इसका प्रोग्राम सेट, यहाँ रख देते हैं। अब अगला आइटम क्या है, अगला आइटम है आपका, इसको ओपन करते हैं, यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ रखते ये मंगाया मैंने मेगा लॉयल्टी कार मोबाइल होल्डर डैशबोर्ड के लिए। आपको अपनी कार के डैशबोर्ड पे लगाना है, आपको मतलब आपको ज़रूरत होगी तो आप लगाएं, नहीं तो मेरे को तो ज़रूरत है, मैं लगाऊंगा इसको। काफ़ी दिनों से एक लिया था मैंने बट वो डैमेज हो गया। ये इसका बॉक्स है, इस तरह से दिख रहा है, ये लॉन्ग नेक वन टच कार माउंट ये बॉक्स है इसका। इसको मैं साइड में रखता हूँ यहीं पर। इसका क्या है, ये है मैग्नेटिक वाला है, यहाँ पे रख देता हूँ इसको। कलर है ब्लैक, डैशबोर्ड, हेडरेस्ट, विंडशील्ड पे लगा सकते हैं, डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं, एसी वेंट में लगा सकते हैं। ये जो है ये करीब 1.5 kg का वेट वेयर कर सकता है, और स्क्रीन 6 इंच के आसपास की स्क्रीन इस पर आराम से लग जाएगी। 360 डिग्री का रोटेशन है इसमें, फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। इसको लगाने के लिए कैसे लगाएंगे देखते हैं, इसका इंस्टॉलेशन गाइड चेक करते हैं। ये भी ईजी है एक्सेस, इसकी जो ये है ना, ये तानपुरा इसका, ये डमरू देख रहे हो, डमरू सही है, डैमेज है क्या है ये, इस डमरू को यहाँ पे अपन ने ऐसे करके स्क्रू द स्क्रू नट टाइटली, और यहाँ पे इसको लगाने के बाद नट कैसे टाइट होगा, फिर नहीं होगा ना, तो इसको पहले लगा देना हल्के से ऐसे, और इसको घुसा देना, ठीक है, इसको ऐसे करके टाइट कर देना, अच्छे से टाइट कर देना, ठीक है, टाइट हो गया, मतलब जितना आपको लगता है उस हिसाब से टाइट कर दो। टाइट होने के बाद ये है इसका वैक्यूम, इसको निकालोगे, ये है थोड़ा सा चिप चिप, ऐसा नहीं लग रहा कि यूज्ड जैसा हो, किसी ने यूज तो नहीं करके भेजा अपने को, इन 1 वीक का रिप्लेसमेंट है इसमें। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ ऐसे लगाना है, और ये बड़ा कितना हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इसको यहाँ पे टाइट कर लेंगे, इतना बड़ा करना है तो इतना बड़ा करके कर देंगे टाइट, पूरा टाइट हो गया, ढीला कर देना इसको, अंदर कर देना, छोटा रखना है तो छोटे पे इसको टाइट कर देना। घूमने वाली बात रही तो ये इसको घुमाने के लिए तो बोल रहे थे 360 डिग्री कर सकते हो, तो 360 डिग्री ये है, ये नॉर्मल। अब इसमें फ़ोन लगाते हैं, ये फ़ोन इसमें लगाते हैं, अगर ये तो फ़ोन अच्छा बेहद अच्छा होगा मुझे लग रहा है, ये कवर हटाने के बाद लगाएं, कवर ये ग्रिप नहीं बनाने दे रहा है, तो कवर हटा के यहाँ पे इसको लगाएं इस तरह से, ठीक है ना, अब ग्रिप देगा, ये निकल जा रहा है, ठीक है नाटक, ये मेरा फ़ोन अगर ऐसे लटकाते तो वजन सही नहीं पा रहा है, निकल जा रहा है पूरा हाथी की तरह, ले नहीं रहा ये वजन,
कुछ गड़बड़ है क्या? माना कि मैंने फ़ोन अपना लगा दिया, बट ये तो निकल के भाग रहा है ना, क्या इसमें चार्जर में टिकाना है क्या? ऐसे ना, ये तो सिस्टम गलत है, ये तो निकल इसको, ये है ना पूरा दब गया, ये जो बटन है ऐसे कर दे, ये अगर टच कर दो तो ऐसे हो जाएगा, सपोज कर मैंने ऐसे कर दिया, तो मैं इसको लगा रहा हूँ, उनको सीधा लगा रहा हूँ, ऐसे लगा दो, और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा हो गया, ओके, इस तरह से पकड़ बनाएगा ये अपनी, पकड़ बना लिया इसने अच्छे से, हाँ सही पकड़ बना लिया इसने, और करना चाहते हैं तो इसको, ये पकड़ बन चुकी है, गिर नहीं रहा, गिर गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ और यहाँ, यहाँ यहाँ, अकॉर्डिंग टू योर यूजेज, कितना पास कितना दूर आपको करना है, बेंट में फिक्स कर सकते हैं एसी बेंट में, तो मैं अभी यहाँ पे फिक्स करता हूँ, एसी भी चला रखी है मैंने, राइट, तो ये फिक्स हो गया, ओके। अब इसके बाद वही सिस्टम है, अगर आपने इसको फिक्स वो करना है, स्पेस देना है मोबाइल होल्ड कराने के लिए, तो यूँ क्लिक कर देना है, यूँ इस तरह से पूरा, और अगर फिर से उसको कंजेस्टेड करना है वापस, यूँ कर देना है, राइट, यूँ और यूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये फ़ोन रख देता हूँ, जस्ट होल्ड डाउन। तो दोस्तों ये फ़ोन यहाँ पे होल्ड हो चुका है और मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, एसी वेंट में मैंने स्टक करा दिया इसको, और बहुत इजी है, कोजी है, नियर अबाउट है मेरे, कल को मैं कुछ भी इसके साथ छेड़खानी कर सकता हूँ, मैं ब्राइटनेस मैंने ख़राब कर ली अपने फ़ोन की। अब मैं इसको निकालता हूँ, अच्छा है यार, ये अच्छी फीलिंग आ रही है, स्टेयरिंग पास में है, यहीं हाई करते रहो, ब्लॉगिंग भी करते रहो यहीं से। अभी अगर डैशबोर्ड पे या विंडशील्ड पे होल्ड करना है तो उसके लिए वैक्यूम दिया हुआ है, और इसकी हाइट आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसको, आप लूज करेंगे, मेरे हाथ में फ़ोन है फिर भी मैं यहीं से दिखा देता हूँ, इसको आप थोड़ा सा लूज करेंगे तो इसको आप बढ़ा सकते, कितना बढ़ सकता है ये मैं दिखा देता हूँ, इतना, दैट्स यानी कि यहाँ लगेगा और इतना बढ़ सकता है, ठीक है, चलो फिक्स करते हैं। तो गाइज इस तरह से यहाँ प्लेस कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे, सो दैट हीट, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, चूँकि सेलफोन के हीट होने का भी ख़तरा रहता है, गाड़ी जब चलेगी आप लॉन्ग रूट जाओगे, कंटिन्यू जब विंडशील्ड पे सनलाइट पड़ती है तो फिर वो आपका फ़ोन भी हीट होता है, नहीं तो सेकंड ऑप्शन बताते हैं, सेकंड ऑप्शन का आइडिया ऐसे करते हैं, ये रहा अपना, इसको यूं करना है, वैक्यूम करा देना है यहाँ पे, और ओ नो, इसको मैंने यहाँ पे हैंग करा दिया, देखो इस तरह से हैंग कराया, ऐसे वैक्यूम को यहाँ पे विंडशील्ड पे फिक्स कर दिया, और ये ऐसे, अब इससे इसे हैंग किस लिए हो रहा है, इसको टाइट करना है यहाँ पे, अपनी ज़रूरत के अनुसार टाइट कर लो जितना भी रखना है, अभी मैं टाइट कर देता हूँ इसको, ये लो टाइट हो गया, ठीक है जी, इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो, अब मेरी आवश्यकता के अनुसार ऐसे होना चाहिए, लो साइड में लग गया, ये बढ़िया दिख रहा है, ये मैंने विंडशील्ड में लगाया इसको, यहाँ पे लगाने का एक फ़ायदा मेरे को मिल सकता है क्या, कि वहाँ के अपेक्षा यहाँ सनलाइट कम आएगी और कॉर्नर में रहेगा, मेरे को अगर कोई लोकेशन या कुछ लगाना है तो मैं यहीं से आराम से देखते हुए चल सकता हूँ।
तो दोस्तों काफ़ी मशक्कत के बाद गाना बंद करता हूँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। वही पीछे बाजू में बज रहा होगा तब भी कॉपीराइट जा रहा है, लोग जीने नहीं देते ये लोग। तो गाइस बड़ी मशक्कत के बाद मैंने इंस्टॉल कर दिया डैशबोर्ड पे स्टेयरिंग के ठीक बाजू लेफ्ट में करीब 3-4 इंच 5 इंच के स्पेस को छोड़ के मैंने कर दिया डैशबोर्ड पे। अभी मेरे को आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे इजीली मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। कल को मुझे अगर इधर करना है किसी को दिखाना है तो पीछे से वो जो नट है उसको लूज करना है, इधर करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मैं बता रहा था आपको, इस तरीके से कितना भी 360 डिग्री रोटेट कर लो, और जब आपको स्टेबल करना हो तो वहाँ पे पीछे से नट जाके टाइट कर दो, वैसे के वैसे स्टेबल हो जाएगा वहीं के वहीं। लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए आपको। अभी सबसे बड़ा एरर मुझे जो लगा है इसमें, इस प्रोडक्ट का डिज़ाइन अच्छा है, मजबूती अच्छी है, इट मीन्स क्वालिटी अच्छी है, बट एक चीज़ जो थोड़ी सी मेरे को ऑड लगी है, इसका नीचे वाला सपोर्ट कहाँ है? एक ही सपोर्ट है। अगर मैं इसको बीच में करता हूँ, मैंने मोबाइल लगा के देखा है, फिर भी ये लूज रहता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं देता है। सपोज इट कि ये यहाँ पे आ गया और यहाँ की पेस्टिंग निकल गई किसी भी बहुत बारी लगा लगा के, तो ये मोबाइल तो गिर पड़ जाएगा। अगर दो सपोर्ट रहेंगे तो मैं दोनों को, हो सकता है मैं एक यहाँ कर दूँ एक यहाँ कर दूँ, हो सकता है मैं दोनों को ला के यहाँ बीच में कर दूँ, तो अगर पेस्टिंग निकल भी जाती तो इसके सारे कहीं टिका रह सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरा जो रिव्यू है, ऑनेस्ट रिव्यू है, कि अगर बहुत सारे ब्रेकर्स आते हैं या रूरल एरिया में आप कहीं जाते हो तो ये सक्सेस नहीं है, आपका मोबाइल गिर पड़ जाएगा, और अगर आप लोकेशन लगा के चल रहे हो तो वो लोकेशन आपकी ज़मीन पे पड़ी रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, आज़ादी का अमृत महोत्सव अच्छे से मनाएं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।